भाई दूज की कहानी। भाई दूज भारत में मनाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो कि भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। भाई दूज एक हिंदू त्योहार है जो भारत और नेपाल में मनाया जाता है। ये पर्व हिंदू धर्म के अनुयायी द्वारा मनाया जाता है। ये पर्व भाई और बहन के पावन रिश्ते के महत्व को दर्शाता है। इस दिन के अनुष्ठान और उत्सव रक्षाबंधन जैसे लोकप्रिय उत्सव के समान है। इस विशेष अवसर पर भाई अपनी बहनों को कई उपहारों देते हैं और बदले में बहनें अपने भाइयों को मिठाई देती हैं। भाई दूज की कहानी आइए अब हम आपको बताते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके साथ बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वही खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। सातवें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चलिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जलभून गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे है। गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बाटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुँची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है, वो भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पी कर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं।
उसने उस बुढ़िया से अपने सातवें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने सातवें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बॉल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहारा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहारा बांधेगा, सहारा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहारा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वही की वही रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाव में तो मैं खड़ी होगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वही की वही रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, इसे नहीं, पहले तीन बार बोल। नागिन ने तीन बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने छह जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा सातवां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके साथ बेटा और बहू आ रही है तो बुढ़िया बोली, गर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई, बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे, देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रह। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।